Hello and welcome to MR Learning Circle. In our previous video, we learnt about the details of dengue virus and dengue fever. We also studied about various methods of diagnosis of dengue infection. In today's video, we are going to learn in detail about one of those methods of diagnosis, that is IgM and IgG detection and interpretation. Now, what are these IgM and IgG? They are the antibodies which are formed against any antigen which is detected in the body. So, as we have learned in a previous video that the diagnosis of the infection can be done through the isolation of virus, the presence of viral nucleic acid, antibody or antigen detection. Where can be the virus detected? The virus can be detected in the serum, plasma, circulating blood cells and other tissues for 4 to 5 days. This is known as the acute phase of infection, that means the early stage, the shurvati din. And the best method for diagnosis is serology. What do you mean by serology? What is serology? Serology means, sero means serum, logy means study, that is the study of serum. Now, what does this serum consist of? This serum consists of antigen and most importantly, the antibody formed against that particular antigen. Clear? Now, coming to the antibodies IgM and IgG. As you all must be knowing that whenever any infection occurs in a body, the first antibody to be formed is IgM. मतलब जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन पहली बार होता है तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो होती है IgM. तो यही हो रहा है डेंगू के केस में. इन प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन सबसे पहले जो हमारी एंटीबॉडी बॉडी में बनी वो थी IgM. ठीक है. इन अब कब ये डिटेक्ट होगी, IgM कब कब डिटेक्ट हो रही है? इन 50% ऑफ द पेशेंट IgM इज डिटेक्टेबल विद इन 3 to 5 days ऑफ द इन्फेक्शन. इन 80% इट इज डिटेक्टेबल आफ्टर 5 days. एंड इन 99% ऑफ द पेशेंट इट इज डिटेक्टेबल आफ्टर 10 days. क्लियर? अब ये तो पता चल गया कि कब कब डिटेक्ट हो रही है. अब जब एंटीबॉडी बॉडी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसका पीक आएगा, दैट मीन्स मैक्सिमम कंसेंट्रेशन. पीक का मतलब मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी. वो कब होगी? इट इज अप टू सेकेंड वीक में, अप टू सेकेंड वीक, दैट मीन्स 12th to 14th day पे आपके IgM का पीक आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम कंसेंट्रेशन. अब जब मैक्सिमम कंसेंट्रेशन होगी तो फिर धीरे धीरे डिक्लाइन भी होगा. तो डिक्लाइन कब तक हो जाती है? आफ्टर 2 to 3 months. 2 से 3 महीने के अंदर इट इज अनडिटेक्टेबल, बिल्कुल डिटेक्ट नहीं हो सकती है ब्लड में. क्लियर? ये था प्राइमरी इन्फेक्शन और किसका, IgM के बारे में. अब आते हैं IgG. प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन में IgG जो होता है वो मोस्टली 7 डे से डिटेक्ट होने लगता है, वो भी बहुत लो कंसेंट्रेशन में. ठीक है, वही इट इज रिटन हियर. इट इज डिटेक्टेबल एट लो टाइटर एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस. इट इंक्रीजेस स्लोली. ये याद रखना, इन प्राइमरी इन्फेक्शन द IgG इंक्रीजेस स्लोली. ठीक है, और कब तक प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट अप टू सेवरल मंथ्स एंड प्रोबेबली फॉर लाइफ टाइम. क्लियर? अब आते हैं सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन में. सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन में क्या होगा? सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी डेंगू का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन को पहले डेंगू हो चुका है, डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है. ठीक है, मान लो 2019 में उसको डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है, फिर 2021 में उसको डेंगू फिर से हो गया. तो दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज नोन एज सेकेंडरी. सेकेंडरी मतलब दोबारा, फिर से. ठीक, जब सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन होगा तो जो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी वो याद रखना वो होगी IgG. ठीक है, अब पहले से तीसरे दिन में ही जो आपका IgG होता है वो डिटेक्ट होने लगता है. क्लियर?
एंड द आईजीजी, देखो प्राइमरी इन्फेक्शन में कैसे राइज कर रही थी, स्लोली, बट इन सेकेंडरी इन्फेक्शन इट विल राइज रैपिडली. रैपिडली मतलब बहुत तेज से बढ़ेगी, ठीक है. पहले से तीसरे दिन से ही डिटेक्टेबल हो जाती है और बहुत तेज से रैपिडली इंक्रीज करती है. एंड इट परसिस्ट फॉर अ पीरियड लास्टिंग फ्रॉम 10 months टू लाइफ. अब कब तक प्रेजेंट रहेगी, 10 महीने से लेकर लाइफ टाइम तक. और IgM अब याद करो कब तक थी, 2 से 3 महीने के बाद वो बिल्कुल डिटेक्ट नहीं होगी. क्लियर, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं इसका ग्राफ. ग्राफ देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो मैंने बताया रेड वाला IgM है और ब्लू वाला IgG है. तो प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या हुआ, 10 से 14 दिन पे पीक आ गया, दैट मीन सेकेंड हफ्ते में ही पीक आ गया. और देखो IgG अपना धीरे धीरे बढ़ा, लो कंसंट्रेशन में था. बट इन सेकेंडरी इन्फेक्शन यू कैन सी दैट द ब्लू लाइन इज एट द पीक विद इन 1 to 3 days. क्लियर. अब IgM एंड IgG नीड टू बी डिटेक्टेड. द मेथड यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ IgM एंड IgG इज सैंडविच ELISA. सैंडविच ELISA. IgM और IgG को डिटेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज होगा वो है हमारा सैंडविच ELISA. अब सैंडविच ELISA करता क्या है, सैंडविच ELISA क्वांटिफाई एंटीजन बिटवीन द लेयर ऑफ टू एंटीबॉडीज, दैट इज कैप्चर एंटीबॉडी एंड द सेकेंड वन इज डिटेक्शन एंटीबॉडी. मतलब क्या हुआ, जो आपका सैंडविच ELISA में क्या होता है, एंटीजन को हम क्वांटिफाई करते हैं. कैसे, बाय मेकिंग अ लेयर बिटवीन अ प्राइमरी एंटीबॉडीज, दैट इज द कैप्चर एंटीबॉडी, और दूसरी डिटेक्शन एंटीबॉडी के बीच में हम लोग उसको सैंडविच करके उसको हम लोग क्वांटिफाई कर लेते हैं. क्लियर, ये है सैंडविच ELISA. अब आते हैं इसके प्रिंसिपल पे. इसके प्रिंसिपल पे देखो, पहले ये होती है ELISA किट, ठीक है. ये जो चीजें हैं ये हैं वेल्स, हैं वेल्स ऑफ द किट, दीज आर नोन एज वेल्स. अब इसके प्रिंसिपल पे आते हैं. प्रिंसिपल क्या है ELISA का, देखो सबसे पहले, जस्ट अ मिनट. अब देखो एक चीज और, ELISA में, सैंडविच ELISA में चार चीजें याद रखनी है. सबसे पहले कैप्चर एंटीबॉडी क्या है, दूसरा डिटेक्शन एंटीबॉडी क्या है, तीसरा कॉन्जुगेट क्या है आपका, और फोर्थ सबस्ट्रेट क्या है. क्लियर, अभी हम लोग इसके नाम लिख लेंगे पढ़ने के बाद. अब प्रिंसिपल पे आते हैं. तो देखो सबसे पहले क्या था, मैंने बताया था जो आपका वेल होगा, किसका वेल, जो प्लेट का वेल है, ELISA किट का जो प्लेट का वेल है, वो किससे कोटेड होगा, कैप्चर एंटीबॉडी से. तो डेंगू के केस में अभी हम लोग IgM को डिटेक्ट करें, इसी तरह IgG को भी डिटेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, कैप्चर एंटीबॉडी. कैप्चर एंटीबॉडी डेंगू के केस में क्या है, पेशेंट एंटी डेंगू वायरस एंड IgM, ये हो गई आपकी कैप्चर एंटीबॉडी. फिर दूसरा स्टेप क्या बताया था, एडिशन ऑफ डेंगू एंटीजन, ठीक है. दिस डेंगू एंटीजन बाइंड्स टू द कैप्चर्ड डेंगू IgM इन द सैंपल. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंटी डेंगू एंटीबॉडी एंजाइम कॉन्जुगेट इज एडेड. अब ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी डिटेक्शन एंटीबॉडी, ठीक है. कैप्चर एंटीबॉडी हो गया, एंटीजन हो गया, अब ये डिटेक्शन एंटीबॉडी. अब क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या है, जस्ट अ मिनट, कॉन्जुगेट इज एविडिन HRP कॉम्प्लेक्स, ये है आपका कॉन्जुगेट. HRP का फुल फॉर्म क्या है, और जस्ट मिनट, हाँ, HRP का फुल फॉर्म क्या है, हॉर्स रेडिश परोक्सीडेज, ठीक है. ये एंजाइम कौन सा है, हॉर्स रेडिश परोक्सीडेज, एंड इट बाइंड्स विद द एविडिन.
तो आपका कॉन्जुगेट क्या हो गया, एविडेन एचआरपी कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एडिशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। सबस्ट्रेट क्या है, टीएमपी, ठीक है। सबस्ट्रेट ऐड हो गया, या कभी कभी हम लोग H2O2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आफ्टर दैट द रिएक्शन इज स्टॉप्ड बाय द एडिशन ऑफ H2SO4। रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए किसका यूज करेंगे, H2SO4 का। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये था प्रिंसिपल, समझ में आ गया होगा। अब टीएमबी का फुल फॉर्म, एक मिनट में बताती हूँ, टीएमबी का फुल फॉर्म क्या होगा, 3-3-5-5- टेट्रा मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये क्वेश्चन ना पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे तो आपका गेट हो गया या सीएसआईआर नेट हो गया, या कभी कभार कोई भी आपके नॉर्मल एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ टीएमबी और व्हाट इज द सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ आईजीएम इन डेंगू, तो इट इज टीएमबी। एंड यू कैन इवन राइट इफ इट इज नॉट इन द ऑप्शन H2O2। क्लियर, अब आते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा कैप्चर एंटीबॉडी क्या था, क्या था कैप्चर एंटीबॉडी, वो भूले तुम लोग, एंटी डेंगू IgM। डिटेक्शन एंटीबॉडी क्या था, एंटी डेंगू IgM एंजाइम कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या था, एविडिन HRP। सबस्ट्रेट क्या था, TMB, ठीक। क्लियर, एक बार फिर से देख लो, कैप्चर एंटीबॉडी क्या है, पेशेंट्स एंटी डेंगू वायरस IgM। डिटेक्शन एंटीबॉडी क्या है, एंटी डेंगू एंटीबॉडी एंजाइम कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेट क्या है, एविडिन HRP कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट क्या है, TMB, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो मेथड होता है ना, इसको हम क्या दे नाम है इसका, इसका नाम है ABC बैक अलाइजा, ठीक है। और दूसरा मेथड जो यूज होता है IgM के डिटेक्शन के लिए डेंगू में, वो है लेबल्ड स्ट्रेप्टोविडिन बायोटिन एलाइजा, ठीक है। ए का मतलब हो गया एविडिन, बी का मतलब हो गया बायोटिन, सी का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स, एम का मतलब हो गया IgM, ए का मतलब हो गया एंटीबॉडी, सी का मतलब हो गया कैप्चर एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इसका अब नेक्स्ट लेबल स्ट्रेप्टोविडिन बायोटिन में का क्या होगा शॉर्ट फॉर्म, LSAB मेथड। अब जैसे कि एक चीज और, रिमेंबर वन थिंग मोर, दैट ABC मैक एलाइजा मेथड में आपका कॉन्जुगेट क्या था, एविडिन HRP, और LSAB में आपका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रेप्टोविडिन HRP, ये होगा आपका कॉन्जुगेट। तो एविडिन की जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोविडिन। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं इसके प्रोसीजर पे, प्रोसीजर कैसे, सेम स्टेप है, हर स्टेप के बाद क्या है, इंक्यूबेशन और वॉशिंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जब लास्ट वॉशिंग हो जाएगा आफ्टर एडिंग द स्टॉप रिएक्शन, आफ्टर द स्टॉप रिएक्शन दैट इज आफ्टर द एडिशन ऑफ H2SO4, उसके बाद वॉश करने के बाद हम ट्रे को, प्लेट को किस में रीड करेंगे, इट इज रेड इन द एलाइजा रीडर एट विच वेवलेंथ, एट 450 नैनोमीटर वेवलेंथ। क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी, अगर होगी तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट कर दीजिएगा। अब रिजल्ट जो आएगा, रीड कर लिया एलाइजा रीडर ने, अब आएगा रिजल्ट। रिजल्ट को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, कि पढ़ना पड़ेगा क्या है रिजल्ट,
ठीक है, इधर ये सारा चीज़ मैंने लिटरेचर लिख दिया है, पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा अगर एग्ज़ाम में लिखने के लिए चाहिए। पर अब आते हैं इसके मेन इंटरप्रिटेशन पे। ठीक है, अगर IgM पॉजिटिव है और IgG नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी इन्फेक्शन है। पहले ही बताया था कि प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन में सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? IgM बनेगी। अगर दोनों प्रेजेंट हैं, IgM और IgG दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये भी क्या है? एक रीसेंट प्राइमरी इन्फेक्शन है। बताया था कि IgG जो है वो प्राइमरी इन्फेक्शन में 7 डेज से डिटेक्ट होने लगती है। अब थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या होगा? IgG पॉजिटिव है और IgM जो है नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी बताया था कि IgG पहले ही दिन से या पहले से तीसरे दिन से ही डिटेक्टेबल होती है, किसमें? लार्ज क्वांटिटी। अगर दोनों नेगेटिव है, IgM और IgG दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू। Thanks for watching, and you can even post your doubts in the comment section. Thank you. Keep learning.